ये न्यूज़ सुनकर शायद उन पेरेंट्स को थोड़ा बुरा लग सकता है जिनके बच्चे हमेशा इसी में लगे रहते थे और उनका कहा नहीं मानते थे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये अच्छी न्यूज़ है वर्ल्ड पॉपुलर गेम प्लेयर अनाउंस बैटल ग्राउंड पबजी प्लेयर्स के लिए। तो ऐसी क्या अनाउंसमेंट की है पबजी कॉरपोरेशन ने, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK स्टडी हाइव पर। बॉर्डर पर चाइना के साथ चल रहे कन्फ्लिक्ट के चलते सितंबर 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने 118 चाइनीज़ ऐप्स पर बैन लगाने का ऐलान किया, जिनमें पबजी मोबाइल और पबजी लाइट दोनों ही गेम शामिल थे। ऐप्स बैन करने को लेकर वजह बताई गई कि हमें, मतलब केंद्र को, उसके कई सोर्सेस से कंप्लेंट मिली है कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर कुछ मोबाइल ऐप्स का मिसयूज़ किया जा रहा है और यूज़र्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंडिया से बाहर भेजा जा रहा है, जिससे राष्ट्र की सिक्योरिटी को ख़तरा भी हो सकता है। और इसी प्राइवेसी के इशू के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने इन ऐप्स पर बैन लगाने का फ़ैसला किया, जिसके बाद पबजी फैंस में थोड़ी उदासी देखने को मिली। और अक्टूबर 2020 में पबजी कॉरपोरेशन ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ये बताया कि चाइना की कंपनी टेंसेंट के पबजी मोबाइल की इंडियन फ्रेंचाइजी को रद्द कर दिया गया है। और अब नवंबर 2020 में पबजी कॉरपोरेशन की स्टेटमेंट आई है कि वो बहुत ही जल्द इंडिया में दोबारा पबजी को रीलॉन्च करने जा रहे हैं विद अ न्यू इंडियन सर्वर, जिसका नाम होगा पबजी मोबाइल इंडिया, जो ख़ास तौर से इंडियन यूज़र्स के लिए बनाया गया है, जिससे यूज़र्स की प्राइवेसी का इशू ना हो और इंडियन यूज़र्स की जानकारी इंडियन सर्वर में ही रहे। कंपनी ने गेम के कुछ चेंजेस के बारे में भी बताया है, जैसे उसके ग्राफिक्स, कैरेक्टर क्लोथिंग और ग्रीन हिट इफेक्ट वगैरह। इसके अलावा इस बार गेम में टाइम रिस्ट्रिक्शन को लेकर भी काम किया गया है। पबजी कॉरपोरेशन ने यह भी कहा है कि वो इंडिया में पबजी कॉरपोरेशन के सपोर्ट के लिए एक लोकल ऑफिस ओपन करने की भी सोच रहे हैं, जिसमें करीब 100 एम्प्लॉयज़ को जॉब दी जाएगी, जिससे इंडिया के यूज़र्स के साथ कॉन्टैक्ट बना रहे। साथ ही पबजी कॉरपोरेशन और इसकी पेरेंट कंपनी क्राफ्टन ने करीब $100 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। फिलहाल पबजी मोबाइल इंडिया की रिलॉन्चिंग की डेट आउट नहीं की गई है कि ये कब तक इंडिया में रिलॉन्च किया जाएगा, लेकिन लोगों का ये मानना है कि अगले कुछ ही महीनों में आपको ये नया इंडियन सर्वर पबजी मोबाइल इंडिया खेलने को मिल सकता है। तो पबजी प्लेयर्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।